डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता है कि हमने 10th क्लास में साइंस का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने क्या सॉल्व कर लिया, जा क्या हमने समझ लिया, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने सिर्फ फ्लावर्स की बात की है कि फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों ने इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। तो इसमें मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, बाकी आपने खुद रीड कर लेना है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में क्या लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर वराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीशीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाती हैं। हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वी विल कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे आपको पता है, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, इसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो लेट अस बिगिन। ऑल ऑफ अस नो दैट आर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। आप सभी बच्चों को पता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चेंज आती है। जब आप 5th क्लास में थे तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की चेंजेस थी। आज आप 10th क्लास में होगे तो आपकी बॉडी 5th क्लास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। यू हैव लर्न दी चेंजेस इन क्लास 8th, इनके बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। वी नोटिस दैट, हम क्या नोटिस करेंगे, आर हाइट हैज़ इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है अभी भी। इवन आप ये मान के चलो कि ये 11th-12th क्लास तक हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ वी एक्वायर टीथ, वी इवन लॉस द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ, जो हमारे दूध वाले दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो धीरे धीरे चले जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जर्नल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये सिंपल जर्नल प्रोसेस है ग्रोथ का, ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डिवेल्प होती हैं, इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर। बट इन अर्ली टीन एज ईयर्स, जो अर्ली टीन एज ईयर्स होते हैं, ए होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट सिंपली एक्सप्लेन्ड एज बॉडी एनलार्जमेंट। एक डिफरेंट टाइप की चेंज हमारी बॉडी में आती है, लेकिन वो टीन एज ईयर्स में आती है, 11, 12, 13 साल की एज में वो चेंज आने लगती है। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, जिससे हमारी बॉडी की अपीयरेंस चेंज होने लगती है, प्रोपोर्शन चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नई सेंसेशंस डिवेल्प होती हैं। सम ऑफ दी चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो कई चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में आती हैं, एक जैसी होती हैं, और कई चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंट आती हैं। बॉयज में डिफरेंट टाइप की चेंजेस आती हैं और गर्ल्स में डिफरेंट टाइप की चेंजेस आती हैं। दैट इज ड्यू टू एडोलेसेंस एज, या एडोलेसेंस पीरियड होता है, और इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ये नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, तो दैट इज प्यूबर्टी, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ दी चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, अब ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में आती हैं वो धीरे धीरे आती हैं, स्लो आती हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स। और ये जो चेंजेस आती हैं बेटा, ये सभी बच्चों में अलग एज से, जैसे किसी में 10 साल की एज से स्टार्ट हो जाती है, किसी बच्चे की अंदर वो 12 ईयर से स्टार्ट होती है, किसी में 13 ईयर से स्टार्ट होती है। किसी में ये चेंजेस फास्ट आती हैं, किसी में ये चेंजेस स्लो आती हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और यहाँ पे लिखा भी होगा, दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, इनकी कोई फिक्स एज नहीं है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, वेरी कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि कई बच्चों में ये चेंजेस जल्दी आती हैं, कई बच्चों में ये चेंजेस लेट आती हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी पूरी बॉडी के पैटर्न के ऊपर। ऑल दी चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। बेसिकली इन चेंजेस का मतलब क्या होता है,
कि हमारी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रही है। व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस स्टेज, एट दिस एज? हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों आती है इस एज पे? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन मल्टीसेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स, तो मेल एंड फीमेल बॉडी से जर्म सेल का रिलीज होना टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आएगी, सेक्सुअल मैच्योरेशन आएगी, तो ही हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तभी वो जर्म सेल्स को रिलीज कर पाएंगे। दैट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, कि जैसे ही हमारी एज 10-12 साल की एज में हम पहुंच जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो जनरल ग्रोथ हो चुकी होती है वो लगभग स्लो हो जाती है। जैसे हमारे दांत सारे सही आ जाते हैं, उसके बाद हमारी जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ है, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। कंप्लीट नहीं कह सकते, स्लो डाउन हो जाती है। तो फिर उसके बाद कौन सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है? रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर, मतलब जनरल ग्रोथ स्लो हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, या आप डेफिनेशन याद कर लेना। प्यूबर्टी क्या होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मच्योर होने लगते हैं, उस प्रोसेस को, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू ज्वाइन टुगेदर। क्या होता है, देखो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ना होता है, कंबाइन करना होता है और जाइगॉट बनेगा। बेसिकली यही पूरा प्रोसेस है किसका, यही पूरा प्रोसेस है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीट होने का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही ये है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज हो जाना और उससे जाइगॉट फॉर्म हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है कंप्लीट प्रोसेस, ये हमने प्लांट्स में भी बात की थी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मिलके जाइगॉट फॉर्म करते हैं। मेल गैमीट मेल बॉडी से आएगा, फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी से आएगा, तो वो दोनों मिलके क्या बनेगा, जाइगॉट बनेगा। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल्स और फॉर फ्यूजन। देखो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं वो, कि कैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो प्लांट बॉडी थी, देखो मैं इसके बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। प्लांट बॉडी में जो ये पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन कहाँ से आया था, एंथर से, और किसके ऊपर आके स्टिक कर गया, स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक कर गया। तो ये एक्सटर्नल रिलीज हो गया, मतलब हवा से गया, ऐसे गया पोलन ग्रेन, ठीक है, और वो स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक कर गया, ओके। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल, लिखा है ना, ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टूगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन, मीन्स मेल गैमीट फीमेल बॉडी में एंटर करेगा और वहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमीट है, ठीक है, वो मेल गैमीट वहाँ पे जाके उसके साथ फर्टिलाइज होगा, फ्यूजन होगा, जाइगॉट बनेगा, एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स। इन एनिमल्स आर टू, क्या लिखा है, पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मीटिंग, इसको इंटरकोर्स भी कहा जाता है, इसको मीटिंग भी कहा जाता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है तो मीटिंग होती है। देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाई अदर इंडिविजुअल्स। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स, अब जर्म सेल्स किसको कहते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को, बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट सच एज पेनिस। अब जो पेनिस है वो किसके अंदर होता है,
मेल बॉडी के अंदर. ओके, व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरीड इन द मदर बॉडी. ये चीज भी आपको पता है कि जो बच्चे को जन्म देती है वो हमेशा माँ देती है. सो बेबी इज कैरीड इन द मदर बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड इट विल बी ब्रेस्ट फैट लेटर. वो अपनी माँ से ही फीड लेता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज. तो क्या बता रहे हैं वो कि हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन क्यों होती है, हमारी बॉडी की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्यों स्टार्ट होती है, सो दैट जो मदर बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके. ठीक है, सो दैट जो बेबी है उसने मदर बॉडी के अंदर ही रहना है. सो मदर बॉडी को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, और उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करनी है बच्चे ने. सो मदर बॉडी प्रिपेयर तभी होगी जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन आएगी. और मेल बॉडी को भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो मेल बॉडी के अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगती हैं, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सो लेट अस लुक एट द सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ध्यान से समझेंगे. ओके, थैंक यू. और अगर आपको ये